संसद में आज की कार्यवाही शुरू होने से पहले एनडीए संसदीय दल की संसद भवन में बैठक हुई। तीसरी बार सरकार बनने पर पीएम मोदी का अभिनंदन किया। आज शाम 5 बजे के करीब पीएम मोदी लोकसभा में चर्चा पर जवाब दे सकते हैं। राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर संसद में घमासान के आसार। लोकसभा में हिंदू समाज पर राहुल गांधी के बयान को लेकर अहमदाबाद में आक्रोश, कांग्रेस कार्यालय पर हुआ पथराव। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश, सूरत के पलसाना तहसील में बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी, बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में पिछले 24 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई, एहतियातन आज के लिए स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया। बारिश के कारण प्रदेश के 88 गांवों में बिजली आपूर्ति बाधित। भारी बारिश के बाद जूनागढ़ के मतियाना गांव में चारों तरफ पानी ही पानी, खेतों में पानी ने जमाया डेरा, फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। अमरोहा में 3 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बाद गिरा मकान, 8 साल के बच्चे की मौत, 5 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के बहराइच में सिंचाई विभाग ने बाढ़ से निपटने के लिए शुरू किए पुख्ता इंतजाम, गुजरात से जियो ट्यूब मंगाकर बनाया जा रहा है बांध। पहाड़ों पर जमकर बरस सकते हैं बादल, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के लिए जारी किया रेड अलर्ट। 1 से 12वीं क्लास तक के बच्चों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा। पहाड़ों में मानसूनी बारिश ने आफत मचाई, केदार घाटी में बारिश होने से केदारनाथ हाईवे बंद हुआ, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई, मलबे को हटाने का काम जारी। राजधानी दिल्ली में अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, आज से तेज हो सकती है बारिश। हालांकि कल मौसम विभाग की जानकारी के बावजूद राजधानी में बारिश नहीं हुई। गुजरात के लोगों पर अगले 2 दिन भारी और दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र के लिए मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, यानी कि इन इलाकों में हो सकती है बहुत ज्यादा बारिश। गुजरात के कई इलाकों में आसमानी आफत ने तबाही मचाई, मूसलाधार बारिश के बाद जूनागढ़ से पोरबंदर जाने वाली सड़क को बंद किया गया, कई इलाके जलमग्न हुए, 29 गांवों का संपर्क टूटा। बारिश के बाद मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा, शिवाजी पार्क, दादर और वडाला में सड़कें बनी तालाब, लोगों को आने जाने में दिक्कत। असम के गुवाहाटी में लगातार बारिश से बढ़ी दिक्कत, भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, 14 से ज्यादा जिलों पर असर। गोलाघाट में लोगों के लिए बारिश बनी मुसीबत, कई इलाके जलमग्न हुए, पानी में फंसे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाला, लाखों लोग प्रभावित। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का दावा, कहा भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से राज्य के 2.5 लाख लोगों से ज्यादा प्रभावित, आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बिगड़ सकते हैं हालात। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कलमावाड़ी बांध के पास घूमने के लिए गए 2 लोग झरने में बहे, जानकारी मिलने के बाद लापता लोगों की तलाश में जुटी इलाके की पुलिस। हादसे के बावजूद लोनावला के बुशी डैम के पास सावधानी नहीं बरती जा रही, अभी बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी, प्रशासन पर लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में भारी बरसात के बाद नदी नालों में पानी बढ़ा, औरंगाबाद में अजंता गुफा के पास सप्तकुंड झरने में उफान। यूपी के कानपुर में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में भीषण जलभराव हुआ, बारिश के पानी में कई गाड़ियां फंसी, तेज बारिश ने खोली नगर निगम के दामन की पोल। सहारनपुर में भी नगर निगम की पोल खुली, ऑफिसर कॉलोनी जलमग्न हुई, हल्की बारिश में ही इलाके में 1 फीट तक पानी भरा, लोगों को दिक्कत। मूसलाधार बारिश से केरल के त्रिशूर में जल प्रहार, वॉटरफॉल में बढ़ी पानी की रफ्तार, घूमने पहुंचे लोगों ने प्रशासन ने उनको अलर्ट जारी किया। भोपाल में आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे सत्याग्रह, नरसिंह घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी होंगे मौजूद। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में शिवसेना यूबीटी का दबदबा, मुंबई की दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की जीत, मुंबई ग्रेजुएट सीट से अनिल परब, मुंबई शिक्षक सीट से जेएम अभियंतर की जीत। चोपड़ा केस में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी, कहा कि बंगाल में सरेआम खून खराबा हो रहा है, आरोपी तजीमुल को कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में भेजा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अयोध्या जाएंगे, कल रामलला के दर्शन करके अपनी पगड़ी उतारकर रामलला को समर्पित करेंगे और फिर अपना मुंडन कराएंगे, 21 महीने पहले उन्होंने ये संकल्प लिया। महाराष्ट्र के नागपुर में दीक्षा भूमि ग्राउंड पर बन रहे अंडरग्राउंड पार्किंग का जोरदार विरोध हुआ, बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायियों ने तोड़फोड़ की, कंस्ट्रक्शन का काम रुकवाया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा दीक्षा भूमि के विकास की मांग के चलते सरकार ने विकास पैकेज को मंजूरी दी थी, विरोध के चलते अंडरग्राउंड पार्किंग का काम बंद। यूपी कैबिनेट की आज बैठक है, सुबह 11 बजे लोकभवन बैठक का समय और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों की चर्चा के बाद हरी झंडी दिखाई जाएगी।
बिहार के नालंदा में जेडीयू के कार्यक्रम में बार बालाओं ने ठुमके लगाए। सांसद कौशलेंद्र कुमार की जीत और संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खुशी में यह कार्यक्रम आयोजित। राजस्थान के अलवर में शहीद अग्निवीर सैनिक के परिजनों को डेढ़ महीने के बाद भी मुआवजा नहीं मिला, ना कोई आश्वासन दिया गया। 9 मई 2024 को श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने गोली मारी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में शहीद अग्निवीर योद्धा के परिवार को सरकार से मिली 1,10,00,000 की सहायता राशि। राहुल गांधी ने लोकसभा में सवाल उठाया था, शहीद अक्षय गवते का जिक्र किया। शहीद अक्षय गवते के पिता ने कहा कि बीमा कंपनी से 50,00,000, केंद्र सरकार से 50,00,000 और राज्य सरकार से 10,00,000 की मदद मिली है और अब बेटी के लिए नौकरी की गुहार लगी। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का ये मामला, आज राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना है। यूपी के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया। केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका, आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल की तरफ से दाखिल की गई थी याचिका। राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है केजरीवाल की याचिका। केजरीवाल ने अपने वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अतिरिक्त लीगल मुलाकात के लिए दाखिल की थी अर्जी, कोर्ट ने अर्जी को खारिज किया। एएसआई आज कोर्ट में पेश करेगी भोजशाला से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में दाखिल होगी रिपोर्ट। एएसआई ने 27 जून को पूरा कर लिया था सर्वे। भोजशाला को लेकर जैन समाज भी सामने आया। एएसआई सर्वे में मिल रहे अवशेषों को बताया जैन समाज के गुरुकुल का प्रमाण। वाग्देवी प्रतिमा पर जैन समाज का उल्लेख। गुरमीत राम रहीम ने जेल से रिहाई के लिए फिर से दाखिल की है याचिका। परलोक पर जेल से 21 दिन की रिहाई के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर। याचिका पर आज होगी सुनवाई। एनआईए ने इंजीनियर रशीद को सांसद पद की शपथ लेने पर सहमति दी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं रशीद। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुनवाई। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। अफजाल अंसारी ने सजा के खिलाफ दाखिल की है अर्जी। माफिया बबलू श्रीवास्तव मामले में आज कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। इलाहाबाद की जिला अदालत का फैसला आज। अपहरण और रंगदारी से जुड़े मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगी। स्वाति मालीवाल से मारपीट का मामला, विभव कुमार की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। विभव ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया। बिहार के शेखपुरा में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े लूट, 28,00,000 रुपए लूटकर बदमाश फरार हुए। बैंक कर्मी और ग्राहकों को बंधक बनाकर खुलवाया लॉकर, लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। गाजियाबाद के कविनगर में कार लूट में पुलिस का खुलासा, पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है। चेतन त्यागी नाम के लुटेरे की गिरफ्तारी, पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। यूपी के हापुड़ में स्कूली छात्रों को तिलक लगाने पर विवाद हुआ। सरकार के आदेश पर स्कूल आने वाले छात्रों का स्वागत कर रहे थे शिक्षक, मुस्लिम छात्रों के परिजनों ने विरोध दर्ज किया। महाराष्ट्र के थाने में सड़क हादसे का शिकार हुई कार सड़क पर धुधुकर जली। अचानक से लगी आग से मचा हड़कंप। खोपट इलाके में कार में लगी आग पर काबू पाने के लिए की गई मशक्कत। हरियाणा के गुरुग्राम में केएमपी एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, कार और कैंटर की टक्कर, 7 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।